माइनस ई टू द पावर 1 बाय x माइनस वन। यदि हम इसमें कुछ भी वैल्यू वगैरह से कभी नहीं डोमेन नहीं निकाला तो डोमेन के बिना हम सोचेंगे तो 1 1 many 1 का रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू दिस dy/dx निकाल सकते हैं। dy/dx क्या होगा 1/2 अंडर रूट समथिंग, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन ऐसा कैसा आएगा, फिर अंदर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1 का हो गया 0 माइनस ई की पावर ऑफ 1/x माइनस 1, ई की पावर का ई की पावर ही रहता है, फिर अंदर 1/x का अगेन डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छे से देख लो डिफरेंशिएशन पहले अंडर रूट का किया तो 1/2 अंडर रूट एफ एक्स, जो भी अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट, फिर अंदर एक्सप्रेशन लिखा जीरो माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है ई की पावर वो लिखा वो ई की स्टडी अगेन ई की पावर के ऊपर भी एक्सप्रेशन लिखा था अगेन उसका चेन रूल से 1/x का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो dy/dx ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी वन वन मिनी वन के लिए भी टू dy/dx तो 1/2 अंडर रूट ई की पावर काम किया था तो माइनस आर ओ वन एक्स माइनस वन 1/x का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो पे ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये माइनस वन प्लस प्लस कर दो अल्टीमेटली dy/dx इज ग्रेटर देन 0 तो ये अपने लिए सच्चा रास्ता होगा जब भी 1 1 any 1 के लिए चेक करना है तो dy/dx निकालो वो फॉर सर आपका टोन फ्लक्चुएट होता जा रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। 2 मिनट होल्ड करो, उसे इन्फिनिटी हमें पता है पोटेंशियल फंक्शन ना ऑलवेज पॉजिटिव, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा साइन भी इनवर्स हो जाएगा माइनस से जो ये थी मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एड करता हूँ सर बिसेड वन को एड करता हूँ तो 1 से छोटा होगा 1 - e की पावर समथिंग और माइनस इनफिनिटी में ब्रेड करने पर कोई फर्क नहीं। अब चूंकि अब यहाँ मैं क्या लूंगा अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ शुरुआत कहाँ से हो जाएगी वो 0 से क्योंकि अंडर रूट अपने पास वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो पॉजिटिव वैल्यू या इफेक्टिवली नॉन नेगेटिव हो सकता हूँ जिस तो यानी जो अपने पास एफ एक्स लिखा है ये पूरा जो ये 1 - whatever जो भी लिखा हुआ दिस इज आवर एफ एक्स तो ये एफ एक्स आपका सिंपल से क्या हो जाएगा बिटवीन 0 से 1 तो यानी एफ एक्स की रेंज आ रही है 0 से 1 और कोडोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो यहाँ अपने पास रेंज आ गई थी
which is range is not equal to codomain. So such function is called as into. सभी को यहाँ समझ आया क्या? कोई डाउट हो पूछो. माइनस समथिंग लिखा हुआ है. अंडर रूट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होते ही होता है. हमेशा ग्रेटर देन जीरो है तो नेगेटिव वैल्यू कभी आई की बिना रेंज निकाले ही बोल सकते हैं. दिस टावर ग्रुप पहुंचे अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड. नेगेटिव आर नॉट इंक्लूडेड सो वी कैन से दिस टावर ये फॉर्म टू के लिए बिना पेन लाइक आप कर सकते हैं. ज्यादा मेहनत लेन रेंज के तेल का ये वन ऑफ द प्रोसेस कुछ बड़ा से बड़ा आउट हो